वंडरफुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ, अभी अभी नहीं होगा, प्रॉब्लम शायद। जल्दी आ जाओ, लिंक शेयर कर दो सब लोग। देखो अभी हो रहा क्या? अरे गाइस, गुड मॉर्निंग निहाल, गुड मॉर्निंग निहाल, सोनाली गुड मॉर्निंग, हर्षल गुड मॉर्निंग, उमेश आओ फास्ट आओ, सब लोग आओ, लाइक भी करो फास्ट, सब लोग शेयर भी करो। गुड मॉर्निंग मनीषा, तबीयत अभी तबीयत कैसी है? तबीयत क्या चलते रहता है, तबीयत खराब रहो कुछ भी रहो, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। आकाश गुड मॉर्निंग, आ जाओ लाइक करो और शेयर करो सब लोग। शेयर कर दो, सबको बुला दो, काफी जबरदस्त सेशन होने वाला है, मजा आएगी और बहुत डिटेल में भी और बहुत क्विक भी लेंगे, हाँ मजा आएगी आपको। ठीक है, चालू करते हैं? यस बोल दो, चालू करते कि रुकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग तेजल, बुलाओ सबको, सबको दिखाओ। पंकज सर आ गए बोलते लाइव, दिखाओ सबको फटाफट फटाफट बुलाओ। गुड मॉर्निंग निकिता, चालू करो बोलो, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो क्या? यस बोलो, कौन वापस गया देखते देखते। ओके स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है चलो हैव वंडरफुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू केस स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको थर्ड वीक के दिसंबर के करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। काफी बेहतरीन सेशन रहने वाला हूँ, एक एक फैक्ट्स को आपके आपके सामने डिस्प्ले किया हो, कंटेंट इज बहुत ही जबरदस्त कंटेंट है। ठीक है, आपको 90-100 तक ये वीक के आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है ना 2 तारीख को एग्जाम है ना, तो दिसंबर महीना, नवंबर महीना, सितंबर, अक्टूबर, ये आने 6 महीने तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास करके लेटेस्ट वाले में इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा गया है अब तक की हिस्ट्री में कि SBI में लेटेस्ट वाले 2-3-4 महीने के ज्यादातर आते हैं, है ना। आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। कितने टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। तो गाइस दिस इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बुला सब लोगों को बुलाओ। बाकी के लोग चले गए क्या वापस, सो गए क्या? लाइक करके देखिए कि नाम लिया, नाम लिया सर ने, बस सर को पता चला और गए। चलो ठीक है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पाएगा, जो जितना बोएगा वो उतना पाएगा, है ना क्या? तो देखते आज थर्ड ऑफ द डे क्या है, थर्ड ऑफ द डे देखते हैं गाइस क्या है। थर्ड ऑफ द डे, टुडे इज थर्ड ऑफ द डे, प्रेजेंट करते हैं अपन, देखिए क्या है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, बोलना क्या चाहता है। 24 आवर्स,
एक दिन में, है ना, एक आर में 60 मिनट, 60 मिनट में एक आर यानी एक मिनट में 60 सेकेंड, ये एक दिन की दिनचर्या है। और भगवान है तो डेफिनेटली सबको 24 आवर्स देगा, ऐसा नहीं कि नहीं तू मेरा फेवरेट नहीं है, तू मेरा ऐसा नहीं है, तुझे 22 घंटे ले ले, तू 14 घंटे, है ना, नहीं तू अमीर है, तू गरीब है ना, तो तू इतने घंटे ले ले, ऐसा नहीं। सबके लिए सेम टाइम है, सबके लिए सेम टाइम है, लेकिन यूटिलाइज सब सेम करते क्या? नहीं, सब अपने अपने तरीके से करते, सब अपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, सब अपने अपने करियर के लिए कहते हैं, सब अपने अपने नियत के लिए कहते हैं, सब अपने अपने सोने के लिए करते हैं। महान व्यक्ति भी करते होंगे, आप भी करते हो, तो महान व्यक्ति के पास भी उतना ही टाइम है जितना आपके पास है, तो वैल्यू दो टाइम को, जितना तुम वैल्यू दोगे टाइम को उतना टाइम तुमको वैल्यू देगा। अभी मेहनत करोगे तो आने वाला दिन आपको महान बनाने वाला है, आपकी जिंदगी को महान बनाने वाला है, आपके 1, 2, 3 साल की मेहनत आपके 300 साल अच्छे रखेंगे, आपके 3 पीढ़ियों को अच्छे रखेंगे, आपके माइंड को अच्छे रखेंगे। तो गाइस मेहनत करते रहो और समय को इज्जत देना सीखो, क्या पता समय आपको इज्जत ना दे कभी, इसलिए अभी टाइम मिला है, यंग हो, डायनामिक हो, अरे ब्लड 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 पूरा अच्छा है, तो मेहनत करो, आलस्य मत करो, ठीक है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवरीथिंग वांट मी, एवरीथिंग मैं सभी मुझे प्रेजेंट चाहिए गाइस, सभी लोग प्रेजेंट चाहिए तभी छोगा। करंट अफेयर ऐसी चीज है जो एक बार पढ़ने से याद नहीं होती, रोज पढ़ना पड़ता है और शिद्दत से और मेहनत से पढ़ना पड़ता है। पहला क्वेश्चन देखो, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन डैश, बोलना क्या चाहता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, तो हर साल नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? द आंसर इज हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये वीकली करंट अफेयर है, क्विक भी रहेगा एंड डिटेल में भी रहेगा, सब्र करो, सब मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और फास्ट करना है आपको, बताना है कि कितने आंसर आपको आए। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021, बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है? तो किसने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है सोशल जस्टिस 2021 के लिए? द आंसर इज अनिल प्रकाश जोशी। तो अनिल प्रकाश जोशी जी को अभी रिसेंटली 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला, क्यों? सोशल जस्टिस में वर्क करने के लिए, अच्छा वर्क किया उन्होंने, है ना। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो, वेरी गुड हर्षल, अनिल प्रकाश जोशी, डी आकाश, मनीषा, निहाल, तेजल, निकिता, उमेश, ठीक है, आंसर देना है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश, बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किस टीम ने ढाका बांग्लादेश में आयोजित एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो कौन जीता है गाइस, है ना, एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट ढाका बांग्लादेश में हुआ था, तो जीता है साउथ कोरिया, ठीक है। अब रिसेंटली साउथ कोरिया टीम एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, कहाँ पे हुआ था ये चैंपियनशिप? ढाका, बांग्लादेश ढाका में। तो यहाँ बांग्लादेश की बात आई है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी ढाका टका, और उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? आपको प्रेसिडेंट का नाम बताना है, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट का नाम बताना है। बांग्लादेश के साथ कितने एक्सरसाइज होती है देखते हैं, संप्रति, महिला मैत्री, महिला मैत्री एंड बंगोसागर, संप्रति, महिला मैत्री, बंगोसागर एक्सरसाइज होती है। बांग्लादेश के ढाका में
बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, किसका हेडक्वार्टर, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर। साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया का डिवाइडेड करने वाला लाइन का नाम 38 पैरेलल, कितना है 38 पैरेलल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस। अब्दुल्ला हमीद, वेरी गुड, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है बांग्लादेश का, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट है बांग्लादेश का, वेरी गुड आकाश, सबसे पहले आकाश ने आंसर दिया, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड इन प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021, बोलना क्या चाहते, बोलना ये चाहता है प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में किस विश्वविद्यालय ने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, तो कौन सा विश्वविद्यालय है, द आंसर इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ये कौन से स्टेट में आता है और यहाँ क्या हुआ था, फास्ट बताना है। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी अभी को लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है किसके तरफ से, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स की तरफ से, इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, कलिंगा ओडिशा में, वेरी गुड। और क्या है कलिंगा इंस्टीट्यूट में, दुनिया का पहला या भारत का पहला, क्या है जल्दी बताओ क्या है, फास्ट बताओ, कलिंगा इंस्टीट्यूट ओडिशा में क्या है, जल्दी बताने गाइस। हॉकी स्टेडियम, आकाश ठीक है, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था करंट अफेयर से। स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, उमेश कुंता, कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। कलिंगा इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया है ओडिशा में पहला, जल्दी सॉरी फुटबॉल रिलेटेड है ना, ठीक है, भारत का पहला फुटबॉल क्लास का एकेडमी। चलो आगे बढ़ते गाइस, देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश वुमेन टीम हैज वॉन द SAFF अंडर 90 वुमेन्स चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग द इंडिया इन द फाइनल्स, बोलना क्या चाहता है, डैश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर SAFF अंडर 90 महिला चैंपियनशिप जीता, तो कौन सा टीम है जिसने भारत को हराया और अंडर 90 वुमेन चैंपियनशिप जीता है, द आंसर इज का नाम है बांग्लादेश, बांग्लादेश ने हराया किसको, भारत को SAFF अंडर 90 वुमेन चैंपियनशिप, वेरी गुड। आगे बढ़ते गाइस, देखो, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस US जूनियर स्क्वाश ओपन, बोलना क्या चाहता है, प्रतिष्ठित US जूनियर स्क्वाश ओपन जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो कौन बने हैं पहले भारतीय जिन्होंने पहली बार US जूनियर स्क्वाश ओपन जीता है, IMP क्वेश्चन, पहली बार जीता ना US ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट, आंसर इज अनाहत सिंह, तो अनाहत सिंह क्या खेलते हैं, ये स्क्वैश खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने US जूनियर स्क्वैश ओपन जीता है, इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट्स एडिंग हाउ मेनी यूनिकॉर्न्स इन सिंगल ईयर हैज हेल्प इंडिया टू डिस्प्लेस UK फ्रॉम द थर्ड पोजिशन, बोलना क्या चाहता है, अभी रिसेंटली हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की और उनके अनुसार एक साल में उन्होंने कितने यूनिकॉर्न जोड़े, उसके वजह से भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा पछाड़ा और भारत तीसरे पोजीशन में आए पूरे दुनिया में, तो कितने यूनिकॉर्न जोड़ने से, आंसर इज 33 यूनिकॉर्न जोड़ने से, तो 33 यूनिकॉर्न एक साल, यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन के ऊपर जिनकी कमाई होती है, जो कंपनी होती है वो जुड़ गए तो होता है ना, तो पहले नंबर में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है, आपको बताना है ना, यूनिकॉर्न लिस्ट में कौन सी कंट्री पहले नंबर में, तीसरे कंट्री में UK था बट अभी आया इंडिया है ना, अभी UK की बात है, UK की कैपिटल लंडन, लंडन ये शहर थेम्स नदी के किनारे है ना, उसके बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है ना,
यूके के साथ कितने एक्सचेंज होती है देखते हैं। तीन, कौन से कौन से? अजय वारियर, कोंकण और इंद्र धनुष होती है गाइस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडियन एयरफोर्स हैज डिस्प्लेड द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन द वेस्टर्न डैश सेक्टर। बोलना क्या चाहता है? भारतीय वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के पहले स्क्वाड्रन को पश्चिमी डैश सेक्टर में तैनात किया है। तो कौन से सेक्टर में तैनात किया है पहला स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस मिसाइल इंडियन एयरफोर्स ने वेस्टर्न डैश सेक्टर में? कौन से वेस्टर्न डैश सेक्टर में? आंसर इज पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के वेस्टर्न सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉयड किया है पहला स्क्वाड्रन, कौन था? S-400 एयर डिफेंस मिसाइल। आपको बताना है कौन है इंडियन एयरफोर्स के चीफ, ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स कब मनाया जाता है? क्या इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्या इंडियन एयरफोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी है, ये बताना है। और कौन से नंबर का है ये भी बताना है, ठीक है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर कौन है? चन्नी है क्या? और उसके गवर्नर कौन है बताना है आपको, ठीक है। पंजाब के गवर्नर कौन है बताना है जल्दी फास्ट। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर चन्नी, है ना। और गवर्नर कौन है ये बताना है, जो तमिलनाडु के गवर्नर थे वो अभी कहाँ पे? पंजाब में और हरियाणा में आए हैं, है ना। बताओ फास्ट कौन है पंजाब के चीफ गवर्नर कौन है, फास्ट बताना है गाइस, रिवीजन ही है। बताओ जल्दी फास्ट, हु इज अ गवर्नर ऑफ पंजाब? वेरी गुड, पहला रोहित ने बताया बनवारी लाल पुरोहित, बहुत जबरदस्त। तो बनवारी लाल पुरोहित है पंजाब एंड हरियाणा के, काय के? पंजाब एंड हरियाणा, हरियाणा के बने हैं क्या? नहीं, हरियाणा के बंदारू दत्तात्रेय, पंजाब एंड चंडीगढ़ के बने हैं, है ना। कौन? बनवारी लाल पुरोहित, विक्रम चौधरी 27 नंबर के चीफ जस्टिस थे। वेरी गुड, कौन है ये? मनीषा, वेरी गुड, ठीक है। लाल पुरोहित बना, ठीक है निहाल। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच बैंक हैज साइंड अ को लेंडिंग एग्रीमेंट विद द UGRO कैपिटल टू प्रोवाइड द 1,000 करोड़ फॉर्मल क्रेडिट टू अर्न अंडर सर्व्ड MSME एट अफोर्डेबल रेट्स? बोलना क्या चाहता है? किस बैंक ने कम सेवा वाले MSME को सस्ती दरों पर 1,000 करोड़ रुपए का औपचारिक ऋण प्रदान करने के लिए यू ग्रुप कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किस बैंक ने एग्रीमेंट किया है UGRO कैपिटल के साथ, और वो प्रोवाइड करेगा 1,000 करोड़ फॉर्मर क्रेडिट किनको? MSME सेक्टर्स को, ठीक है, और कम रेट में। तो किस बैंक ने किया है टाई अप? द आंसर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी UGRO कैपिटल के साथ टैप किया है, और वो दोनों मिलके 1,000 करोड़ तक उनको लोन प्रोवाइड करेंगे MSME सेक्टर को कम रेट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, वेरी गुड निहाल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आपको बताना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है ना। हेडक्वार्टर आपको बताना है कौन है CM, CEO एंड MD। आपको बताना टैगलाइन क्या है, टैगलाइन क्या है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन डेली इसमें रेगुलर इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, आज आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, क्योंकि आपका ये रिवीजन पर्पस सेशन। वेरी गुड सोनाली, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? आकाश, मातम वेंकटा राव, वेरी गुड, बेटर लाइफ अराउंड अस, ठीक है। MV राव, मनीषा कामड़, वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, विच यूनिवर्सिटी हैज वॉन द डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड इन द प्रेस्टिजियस टाइम हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021? बोलना क्या चाहता है? प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में किस विश्वविद्यालय ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने
डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, द आंसर इज नाम है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जिन्होंने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। किसने दिया ये? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड ने दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट्स ऑफ एच ओ सूरी एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ। बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी एच ओ सूरी को अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो कौन बने हैं, ठीक है, किस कंपनी का एमडी एंड सीईओ बने हैं एच ओ सूरी? द आंसर इज इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ बने हैं कौन? एच ओ सूरी। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पैनल्ड वीज बैंक एज एजेंसी बैंक टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बोलना क्या चाहता है? आरबीआई ने केंद्र राज्य सरकारों के बैंकिंग व्यवसाय को शुरू करने के लिए किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कौन सा आरबीआई ने किस बैंक को बोला है कि तुम स्टेट और सेंट्रल बैंक के बैंकिंग बिजनेस के एजेंसी बैंक बन जाओ? तो कौन से बैंक को बोला है? ये बना है सीएसबी बैंक। और सीएसबी बैंक का फुल फॉर्म बताना है आपको और हेडक्वार्टर बताना है, है ना। तो आरबीआई हैज इंपैनल्ड सीएसबी बैंक एज अ एजेंसी बैंक टू अंडरटेक बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स फॉर कन्वीनियंट बस ट्रैवल। बोलना क्या चाहता है? सुविधाजनक बस यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? द आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने अभी लॉन्च किया है कौन सी स्कीम? चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट था गाइस, दो, चलो मोबाइल एप्लीकेशन, चलो स्मार्ट कार्ड्स की स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ठीक है, कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, वेरी गुड, सीएसबी, हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला, वेरी गुड। लोकेश नायक, सॉरी सर फॉर लेट, जल्दी टाइम पे आते जाओ, अभी बताया मैंने, टाइम को इज्जत तुम नहीं दोगे तो टाइम तुमको इज्जत नहीं देंगे। शेयर हो तुम, मेरे शेयर बनना है। हेड है वी आर राजेंद्रन, वेरी गुड आकाश, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक हैज अनाउंस द अप्रूवल टू रिक्लासीफाई विच इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम प्रोमोटर कैटेगरी टू पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर इन बैंक। बोलना क्या चाहता है? एक्सिस बैंक ने बैंक में किस बीमा कंपनी को प्रोमोटर श्रेणी से सार्वजनिक श्रेणी के शेयर धारक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की घोषणा की है? तो किस बैंक को बोला है एक्सिस बैंक ने कि आप जो पहले प्रोमोटर कैटेगरी में थे, अभी तुम पब्लिक कैटेगरी में शेयर होल्डिंग आ जाओ? तो किस बैंक को बोला है? द आंसर इज ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बोला है। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बोला है एक्सिस बैंक ने कि आप जो प्रमोटर कैटेगरी में आते थे तो अभी पब्लिक कैटेगरी में आप आ सकते हो, ठीक है, शेयर होल्डिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, गौरव संडे, बाकी के चार लोग कहां गए? ठीक है, बैड, दैट्स सो बैड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी हैज अनाउंस, सॉरी, एक्सिस बैंक हैज अनाउंस द अप्रूवल टू रिक्लासिफाइज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम द प्रोमोटर कैटेगरी टू पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डिंग इन द बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिचर्ड रोजर्स पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज डैश,
बोलना क्या चाहता है। रिचर्ड रोजर्स का हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे, क्या थे वो वह एक आर्किटेक्ट थे। तो रिचर्ड रोजर्स किस फील्ड से संबंधित थे, आर्किटेक्ट थे। आगे बढ़ते गाइस, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बैक द डीआरडीओ सप्लाई ऑर्डर फॉर द अभ्यास टारगेट प्लेटफॉर्म, बोलना क्या चाहता है। अभ्यास लक्ष्य मंच के लिए किस संगठन ने डीआरडीओ आपूर्ति आदेश प्राप्त किए है। द आंसर इज, किसने आदेश प्राप्त किए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज बैक द डीआरडीओ सप्लाई ऑर्डर अभ्यास टारगेट प्लेटफॉर्म। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की बात आई है, इसका कैपिटल है, इसका हेडक्वार्टर है बैंगलुरु में, फाउंडेशन हुआ था 23 दिसंबर 1942 में। फाउंडर कौन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के, वालचंद हीराचंद, एंड इसके चेयरमैन कौन है, श्री आर माधवन। ठीक है, तो आर माधवन इज द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। यहाँ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है, इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके हेड है जी सतीश रेड्डी। इसके इसका मोटो क्या है, बलस्व मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। इंपॉर्टेंट है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री कन्फर्ड इट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन था, नग दग पेल। तो नग दग पेल गी खारलो, इंपॉर्टेंट है ये वाला अवार्ड। तो विच कंट्री है कन्फर इट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नग दल पेल जी खारलो टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 18 दिसंबर 2021, बोलना क्या चाहता है। किस देश ने 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नग दग पेल जी खारलो प्रदान किया है। द आंसर इज, नाम है भूटान। तो भूटान कंट्री कॉन्फर इट्स द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड नग दग पेल जी खारलो टू PM नरेंद्र मोदी ऑन 18 दिसंबर 2021। ठीक है, यहाँ भूटान की बात आई है, भूटान की कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगलट्रम, प्राइम मिनिस्टर कौन है, लोटे टीशेरिंग है, किंग कौन है भूटान के, जिग्मी खेसार, नामगई वांगचुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, जोमाऊ सोप दैट वाज एडेड टू द यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री, बोलना क्या चाहता है। जोमाऊ सोप जिसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया है, वह किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है जोमाऊ सोप, दान सरिस है। ठीक है, तो हैती से संबंधित है जोमाऊ सोप। ठीक है, तो जोमाऊ सोप दैट वाज एडेड टू द यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट बिलोंग्स टू द हैती। या हैती की बात आई है, हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस। करेंसी क्या है भाई, हैतियन गॉडी, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, एरियल हेनरी है। इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ देखो यूनेस्को की भी बात आई है ना, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर क्या है, पेरिस फ्रांस में है। फाउंडेशन कब हुआ था, 16 नवंबर 1945 में हुआ था। हेड कौन है, ऑद्रे अजुले है। या क्यूबा की बात है, क्यूबा की कैपिटल हवाना, करेंसी क्यूबियन पेसो, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैनुअल मैरोको क्रूज है। मैक्सिको की बात आई है, यहाँ मैक्सिको ऑप्शन में, मैक्सिको कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी मैक्सिकन पैसे, और इसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंड्रेस मैनुअल है। अफगानिस्तान की बात आई है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानी, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, हसन अखुंद। इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which state has declared which song as a state song? किस राज्य ने किस गीत को राजकीय गीत घोषित किया। तो किस राज्य ने बोला है कि हमारा ये स्टेट का राष्ट्रीय सॉन्ग है। द आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ने बोला है कि हमारा तमिल थाई वास्तु ये हमारे स्टेट सॉन्ग है ना। तो यहाँ देखो तमिलनाडु की बात आई है, अजय तमिल थाई वास्तु, इसको लिखा किसने सॉन्ग को, इसको लिखा है मनोन मनियम। ठीक है, मनोन मनियम सुंदरा रन पिल्लई, मतलब MS पिल्लई ने लिखा है ये गाना तमिल थाई वास्तु।
ठीक है, या तमिलनाडु की बात आई है, तमिलनाडु का फाउंडेशन हुआ था 1773 में, 1773 में, हेडक्वार्टर का सॉरी कैपिटल कहाँ है तमिलनाडु के, चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर कौन है एम के स्टालिन है, गवर्नर कौन है आर एन रवि, चीफ जस्टिस कौन है मुनीश्वर नाथ भंडारी है। नेशनल पार्क कौन थे तमिलनाडु में, मुदुमलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई को ही इंदिरा गांधी बोला जाता है ना, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क बोला जाता है, मुकुर्ति, गुंडी, गल्फ ऑफ मरान मरीन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन थे तमिलनाडु में देखते हैं, मुदुमलाई, कलक्कड़, वल्लानाडु, ब्लैक बग, मेघामलाई, नीलाई। और डांस फॉर्म कौन सा है तमिलनाडु में, भारत भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंट्री हैज इंडिया साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद फॉर द इनहांस कोऑपरेशन इन द पोस्टल सेक्टर, बोलना क्या चाहता है। भारत ने डाक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए है, तो किस देश के साथ किए है, दान सरित वियतनाम, तो वियतनाम और इंडिया ने टाइप किया है कौन से क्षेत्र में, कोऑपरेशन इन द पोस्टल सेक्टर, वेरी गुड। या वियतनाम की बात आई है, वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी डोंग, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चीन, इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो ऑप्शन भी रख दिया हूं मैंने, क्योंकि 2022 रिपब्लिक डे होने वाले, वहां गेस्ट कौन सी कंट्री आने वाले, ये कंट्री होने, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। तो देखते हैं सबसे पहला देखो कौन सा है, तो कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी टेंगे है, और वहां के प्राइम मिनिस्टर है कासिम जोमार्ट टोकायो। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी सोम है, और प्रेसिडेंट कौन है, शादियर जपारोव है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, करेंसी मनत है, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, इमाम अलीयेव है। तजिकिस्तान की कैपिटल दुशांबे है, करेंसी सोमानी है, और वहां के प्रेसिडेंट कौन है, इमोमोली रहमान है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल तास्केन है, करेंसी सोम है, और प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जो योव, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, विच स्टेट हैज टॉप द चार्ट इन द लार्ज स्टेट कैटेगरी ऑफ द इंडेक्स ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी रिलीज, बोलना क्या चाहता है, किस राज्य ने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर जारी सूचकांक के बड़े राज्यों को श्रेणी में चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो कौन सा स्टेट है जो बोला है कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिलीज में टॉप में है, द आंसर इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ये स्टेट एक इंडेक्स में टॉप में है, कौन सा, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल की बात आई है, वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन हुआ था 1947 में, उसकी कैपिटल कोलकाता है, कोलकाता शहर हुगली नदी किनारे है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनकर, नेशनल पार्क सुंदरबन, गोरुमाला, जल्दापारा, नौरा, बक्सा, सिंगलीला, सजनाखाली, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलाबूपुर, बेतुधारी, बिहूति भूषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, इंडिया एंड डैश हैव अनाउंस अ न्यू प्रोग्राम टाइटल टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशन इनोवेशन फॉर नेट जीरो सपोर्टिंग इनोवेशन टू टैकल द क्लाइमेट चैलेंज, बोलना क्या चाहता है। भारत एंड किसने प्रौद्योगिक आधारित ऊर्जा समाधान नेट जीरो के लिए नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की जो जलवायु चुनौती से निपटने के लिए नवाचार का समर्थन करता है। तो इंडिया और कौन सा है जिन्होंने ये प्रोग्राम चालू किया है, द आंसर इज यूएसए। इंडिया और यूएसए ने अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशन इनोवेशन फॉर नेट जीरो को चालू किया है, ठीक है। यहाँ यूएसए की बात आती है, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट 46 नंबर का जॉय बिडन, जॉय बिडन का बुक का नाम है प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप, वाइस प्रेसिडेंट, पहली वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएसए की, 49 नंबर की, ठीक है, कमला हैरिस, उनका बुक कौन सा ग्रंथ है, द ट्रूथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम, स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, नासा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाउंडेशन कब हुआ था नासा का, 1958 में हुआ था। एक्सरसाइज कौन सी होती है यूएसए के साथ, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्स एंड मालाबार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, जो ईमानदारी से करेगा रिवीजन उसको वही हीरो बनेगा, ठीक है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक वीक इंपॉर्टेंट है।
विच गवर्नमेंट बॉडी हैज कंपोज राष्ट्रीय एकता गीत, बोलना क्या चाहता है, किस सरकारी निकाय ने राष्ट्रीय एकता गीत की रचना की है। तो राष्ट्रीय एकता गीत को किस गवर्नमेंट बॉडी ने कंपोज किया है, द आंसर इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने राष्ट्रीय एकता दिवस को कंपोज किया है, या नेशनल कैडेट कॉर्प्स की बात आई है, इसका फाउंडेशन हुआ था 16 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, गुरबीर पाल सिंह है। यहाँ सेंट्रल रिजर्व पुलिस की भी बात आई है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का फाउंडेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हेड है कुलदीप सिंह। यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड की भी बात आई है, इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन हुआ था 1 फरवरी 1977 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के हेड कौन है, के नटराजन है, ठीक है, कृष्ण स्वामी नटराजन है। यहाँ NSG की बात आई है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात आई है, इसका फाउंडेशन हुआ था 22 सितंबर 1986 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके हेड है MA गणपति, ठीक है। आगे बढ़ते गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मिनिस्ट्री कन्फर्ड द 8th CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड 2021, बोलना क्या चाहता है, किस मंत्रालय ने 8वें CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो किस मिनिस्ट्री ने 8वें CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस मिनिस्ट्री को, द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कन्फर्ड द 8th CII इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड फॉर 2021। यहाँ देखो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है, जितेंद्र सिंह, और उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और जीते कहाँ से, उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर जीते हैं। यहाँ CII की बात ही है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का फाउंडेशन हुआ था 1895 में, हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, प्रेसिडेंट कौन है, TV नरेंद्रन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, चंद्रदीप बैनर्जी है, मोटो क्या है, चार्टिंग चेंज इनेबलिंग डेवलपमेंट, ठीक है, ये मोटो है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ₹10 crore प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर बूस्टिंग द सेमीकंडक्टर, बोलना क्या चाहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए ₹10 crore के रूप में उत्पादन लिंक प्रोडक्शन का योजना का मंजूर दिया। तो कितने रुपए के लिए मंजूर दिए, द आंसर इज ₹76,000 crore की मंजूर दिए यूनियन कैबिनेट ने, किस स्कीम के अंतर्गत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत, क्यों, सेमीकंडक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो कितने रुपए, 76,000 crore। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो, अ पेनल्टी ऑफ डैश हैज बीन इम्पोज ऑन पंजाब नेशनल बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बोलना क्या चाहता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक पर डैश का जुर्माना लगाया। तो कितने रुपए का जुर्माना लगाया है पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, द आंसर इज 1.8 crore। अ पेनल्टी ऑफ 1.8 crore हैज बीन इम्पोज ऑन पंजाब नेशनल बैंक बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, यह पंजाब नेशनल बैंक की बात आई है, इसका फाउंडेशन हुआ था 1894 में, कहाँ पे, लाहौर पाकिस्तान में, बट इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। यहाँ के हेड कौन है, SS मल्लिकार्जुन राव है, और टैगलाइन कौन है, अनेम यू कैन बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, व्हाट इज द रैंक ऑफ PM नरेंद्र मोदी इन द वर्ल्ड्स टॉप 20 मोस्ट एडमायर मैन बाय द डेटा एनालिटिक कंपनी यूगो, बोलना क्या चाहता है, डेटा एनालिटिक कंपनी यूगो द्वारा दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसनीय पुरुषों में PM नरेंद्र मोदी का रैंक क्या है। तो कौन से रैंक में है PM नरेंद्र मोदी, 8वें रैंक में। तो पहले रैंक में कौन है, बराक ओबामा है, दूसरे रैंक में कौन है, बिल गेट्स है, थर्ड रैंक में कौन है, शी जिनपिंग है, फोर्थ रैंक में कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश, बोलना क्या चाहता है, विश्व अरबिक भाषा दिवस विश्व स्तर पर हर साल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, द आंसर इज ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर को हर साल अरबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ देखो दिसंबर की बात आई है, उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। थीम क्या है? एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, ठीक है। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे फॉर अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एंड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीक्राफ्ट, उसे ही बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और थीम क्या है उसका? लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन, इंपॉर्टेंट है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी का हेड कौन है? आर हरिकुमार है। कौन से नंबर का है? 25 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वॉलंटियर डे एंड वर्ल्ड सॉइल डे। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वुमेन राइट्स डे, और उसका थीम क्या है? इक्वलिटी रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी एडवांसिंग वुमेन राइट्स। उसके बाद 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन डे एंड यूनिसेफ डे। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 12 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? माइनॉरिटीज डे, माइनॉरिटीज राइट डे इन इंडिया एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवाज लिबरेशन डे। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर राइट डे। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। आपको अभी 50 क्वेश्चन में पूछूंगा कि आपके कितने राइट है कितने रॉन्ग है, और सच सच से बताना दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बोलना क्या चाहता है? रिवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ऑथर? आंसर इज एस एस ओबेरॉय। तो एस एस ओबेरॉय ने रिसेंटली रिवाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक लिखी, ठीक है। यहाँ देखो ऑप्शन में मैंने कुछ ऑथर्स के नाम लिख किया है, उनके बुक को भी देख लेते हैं, है ना। पहला देखो मृदुला रमेश, इन्होंने वॉटरशेड नाम की बुक लिखी है। जॉय बिटन, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू क्यूब। शशि थरूर, है ना, प्राइड प्रेजुडाइस एंड पंडित री। अशोक लवासा, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो नेक्स्ट वाला। विच स्टेट हैज लॉन्च स्पोर्ट एक्शन अवार्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ स्कीम, मतलब सहाय स्कीम। बोलना क्या चाहता है? किस राज्य ने युवाओं की आकांक्षा सहाय योजना की और स्पोर्ट एक्शन शुरू किए? तो किस स्टेट का है सहाय स्कीम, मतलब स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स द हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ? द आंसर इज ये है झारखंड की। तो झारखंड स्टेट का एक स्कीम है, कौन था? सहाय। तो सहाय का फुल फॉर्म है स्पोर्ट एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ, ठीक है। झारखंड की बात आई है, झारखंड के फाउंडेशन हुआ था 5 नवंबर 2000 को, कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, गवर्नर रमेश बैस, ठीक है। यहाँ नेशनल पार्क कौन थे झारखंड में? बेतला, पलामू, हजारीबाग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन थी पालकोट, दलमा, हजारीबाग। डांस फॉर्म कौन थी झारखंड में? भेजा, चाऊ, झूमर, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु विल हेड द एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज EGOS form by the Indian government to monitor the implementation of the PM Gati Shakti. बोलना क्या चाहता है? अभी PM Gati Shakti के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह का प्रमुख कौन बने? तो कौन बना है PM Gati Shakti कमिटी इंप्लीमेंटेशन किए है सेक्रेटरीज के, उस कमिटी का हेड? द आंसर इज, आंसर क्या है उसका? द आंसर इज राजीव गाबा। राजीव गाबा ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, उनको PM गति शक्ति के लिए कमेटी बनाया, उनको उसका हेड बना दिया। PM गति शक्ति के निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाया, उसका हेड फिर किसको बना दिया है? उसको राजीव गाबा। राजीव गाबा क्या है? ये कैबिनेट सेक्रेटरी है, बहुत जबरदस्त। अजय कुमार भल्ला क्या है? होम सेक्रेटरी है। अमित खरे क्या है? एडवाइजरी टू PM है। अजीत डोवाल क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाय द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस वे। बोलना क्या चाहते हैं?
उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे को आधारशिला रखी है? तो आंसर क्या है फिर? आंसर इज शाहजहानपुर। तो शाहजहानपुर ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखे है और बोला है कि लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनाएंगे उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनाने वाले शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आई है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसका फाउंडेशन हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। कैपिटल लखनऊ, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, पुराना नाम है अजय मोहन बिष्ट। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? राजेश बिंदल है। नेशनल पार्क कौन थे उत्तर प्रदेश में? दुधवा, चंबल, पीलीभीत, नवाबगंज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन थे उत्तर प्रदेश में? चंद्रप्रभा, किशनपुर, बखीरा। डांस फॉर्म कौन थे उत्तर प्रदेश में? कत्थक, चारकुला। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विकास पोर्टल? बोलना क्या चाहता है, किस मंत्रालय ने विकास पोर्टल लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च विकास पोर्टल। तो यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्ट्री कौन है? गिरिराज सिंह। ये जीते कहाँ से? बेगूसराय बिहार से जीते। यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। जीते कहाँ से? मोरना मध्य प्रदेश जीते। यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? मनसुख मंडाविया। यहाँ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो भूपेंद्र यादव के बाद दो मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट कौन थे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। ये जीते कहाँ से? ये राज्यसभा में, फ्रॉम राजस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हार नहीं मानना है, पूरे पे की पूरे आज तो करके ही रहेंगे पूरा वीक का, है ना? एग्जाम है गाइज, मेंस है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। वेयर वॉज द 11-day-long 24 एडिशन ऑफ लोक रंग 2021 हेल्ड? बोलना क्या चाहता है, लोक रंग 2021 का 11 दिवसीय 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ मनाया गया 24वां एडिशन का लोक रंग फेस्टिवल? द आंसर इज ये जयपुर राजस्थान में मनाया गया। तो जयपुर राजस्थान में रिसेंटली 24 नंबर का लोक रंग मनाया गया था, है ना? लोक रंग फेस्टिवल मनाया गया, संस्करण मनाया गया था, प्रोग्राम मनाया गया गया था, है ना? लोक रंग ये रिसेंटली कहाँ मनाया गया था? जयपुर राजस्थान में। तो याद देखो, यहाँ राजस्थान की बात आई है। राजस्थान का फाउंडेशन हुआ था 30 मार्च 1949 में। इसका कैपिटल है, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, राजस्थान से एक पर्सन है ओम बिरला, ये चेयरमैन है कहाँ के? लोकसभा के। कौन से नंबर के? 17वें नंबर से। जीते कहाँ से? कोटा से जीते हैं। नेशनल पार्क कौन थे जयपुर में? रणथंभौर, सरिस्का, कोयला देवघाना, डिजर्ट, माउंट अबू। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन थे राजस्थान में देख लेते हैं, बस्सी, गजनेर, जैसामंद, है ना? जैसामंद ये यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे एक स्कीम है राजस्थान में, एक स्कीम है, कौन था? इंदिरा रसोई योजना। ये इंदिरा रसोई योजना में ₹8 में खाना मिलता है। यहाँ पे और एक योजना है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। डांस फॉर्म कौन थे है राजस्थान में? घूमर, उसको ही घूमर बोला जाता है। घूमर ये डांस फॉर्म किसका है? राजस्थान का। और ये 2020 में आया था एसबीआई असिस्टेंट मेंस में आया था घूमर। ये डांस फॉर्म किसका है, कौन से स्टेट का है, ना? आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन डिसम्बर 2021 आरबीआई ऑथराइज डैश टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी। बोलना क्या चाहता है, दिसंबर 2021 में आरबीआई ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए डैश को अधिकृत किया है। अभी आरबीआई ने ऑथराइज दिया है कि
एक बैंक है उसको ऑथराइज दिया कि तो आप इंडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो किसके बिहाफ के ऊपर, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के बिहाफ के ऊपर। तो सीबीआईसी के आईसी ने अभी रिसेंटली बोला है एक बैंक को कि तुम हमको ये इंडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करके दो। ऐसा ऐसा अप्रूव किसने दिया है? आरबीआई ने दिया है। तो किस बैंक को दिया है बोला ऐसा? द आंसर इज ये आरबीआई, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। तो RBL को बोला है, इन December 21 RBI authorized the RBL bank to collect the indirect taxes on behalf of the Central Board of Indirect Taxes and Customs। ठीक है, यहाँ देखो RBL की बात ही है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड की बात आई है। इसका फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक, फाउंडेशन हुआ था अगस्त 1943 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, हेड कौन है? विश्ववीर आहूजा है, टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देखो, पहला सिटी यूनियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर का है कुंबाकोनम तमिलनाडु में है, हेड कौन है? मिस्टर आर मोहन है ना, चेयरमैन है मिस्टर आर मोहन, और सी एमडी एंड सीईओ कौन है? सिटी यूनियन बैंक का एन कामाकोड़ी है। टैगलाइन क्या है सिटी यूनियन बैंक का? ट्रस्ट एंड एक्सलेंस ऑन सिंस 1904, ट्रस्ट एंड एक्सलेंस सिंस 1904। ठीक है, इंडसइंड बैंक के बारे में देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक का फाउंडेशन कब हुआ था? अप्रैल 1994 में, कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। इसका हेड कौन है? सुमन कटपालिया है। टैगलाइन क्या है? वी मेक यू फील रिचर। उसके बाद CSB बैंक, यही तो देखे थे जब ये अपन ने, है ना। CSB बैंक का फुल फॉर्म क्या है? कैथोलिक सीरियन बैंक, है ना। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1920 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? त्रिशूर केरला में हुआ था। हेड कौन है? CVR राजेंद्रन है। टैगलाइन क्या है? सपोर्ट ऑल द वे। क्या है? सपोर्ट ऑल द वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, सब बरोबर चालू है ना यहाँ? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं फास्ट। नेक्स्ट देखिए, इन दिसंबर 2021 इंडियन गवर्नमेंट एंड द जर्मनी डेवलपमेंट बैंक साइन डैश यूरो लोन फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। बोलना क्या चाहता है? दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने जर्मनी विकास बैंक भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने सूरत मेट्रो के लिए डैश यूरो रुपए लोन पर हस्ताक्षर किया। तो कितने रुपए का लोन देने वाला है जर्मनी डेवलपमेंट बैंक सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाने के लिए? द आंसर इज 442.26 मिलियन यूरो। तो 442.26 मिलियन यूरो का लोन देने वाला जर्मनी डेवलपमेंट बैंक किसको? इंडियन गवर्नमेंट को। काय के लिए? सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, यहाँ देखो जर्मनी की बात आई है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है, चांसलर है ओलाफ स्क्लोज है, प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वोल्टर स्टीनमायर। यहाँ है ना, यहाँ देखो सूरत की बात है, सूरत ये शहर तापी नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सूरत कहाँ पे आता है? गुजरात में आता है। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं गाइस, है ना। गुजरात का फाउंडेशन हुआ था 1 मई 1960 को, महाराष्ट्र का भी हुआ था। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गांधीनगर शहर साबरमती नदी किनारे है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, चीफ जस्टिस अरविंद कुमार। गुजरात में रानी की वाव है, रानी की वाव ये 100 रुपीज के नोट के पीछे चित्र अंकित किया गया है। 100 रुपीज के नोट का कलर है लैवेंडर, साइज है 142 mm × 66 mm। डांस फॉर्म कौन सा है गुजरात में? गरबा, दांडिया रास। नेशनल पार्क कौन से गुजरात में? गिर, मरीन, वंसदा, वेलावादर, ब्लैक बग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से है गुजरात में? बारदा, गिरनार, जंबू घोड़ा, पोरबंदर लेक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन IMOU विद द गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल लिमिटेड टू सेटअप अ 500 KLD बायो इथेनॉल प्लांट इन गुजरात। बोलना क्या चाहता है? गुजरात में 500 KLD बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए किस संगठन ने गुजरात अल्कालीज एंड केमिकल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? द आंसर इज, ऑर्गेनाइजेशन नाम है GAIL। ठीक है, तो गेल, जी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो GAIL इंडिया ने
एमयू साइन किया है गुजरात अल्काइजी एंड केमिकल लिमिटेड के लिए, काई के लिए बायो इथेनॉल 500 केएलडी का बायो इथेनॉल प्लांट डालने वाले है गुजरात में। तो जी ए आई एल एल की बात आई है, इसका फाउंडेशन हुआ था अगस्त 1984 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और सीईओ कौन है, श्री मनोज जैन है। इंपोर्टेंट है गाइस, आगे बढ़ते हैं, अभी फास्ट करेंगे। हाँ, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टेस्ट फायर इट्स न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द ओडिशा कोस्ट। बोलना क्या चाहता, किस संगठन ने हाल ही में 2021 दिसंबर में ओडिशा तट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी की परीक्षण की है। तो किसने किया है, आंसर इज डीआरडीओ, है ना। तो यहाँ डीआरडीओ की बात आई है, डीआरडीओ का फाउंडेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, हेड है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है, और वहां के मोटो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये तो ऑलरेडी देखे थे अपन ने, है ना। और जो रिपीट हुआ होगा उसको मैं स्किप करके आगे बढ़ते हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते गए, अग्निपाई मिसाइल का संरक्षण किसने किया, डीआरडीओ, कहा से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड ओडिशा कोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते गए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 दैट वॉज हेल्ड इन तास्किन। बोलना क्या चाहता है, तास्किन में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो किसने जीता है, द आंसर इज बिंदा रानी देवी, ये मणिपुर में रहते हैं। तो यहाँ देखो तास्किन ये उज्बेकिस्तान में आती है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल तास्किन, करेंसी सोम, प्रेसिडेंट शौकत मिर्जोयोयेव, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस दैट क्रिएशन ऑफ द 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट नेमली सेमी न्यू, न्यू लैंड एंड चुमा केदिमा। बोलना क्या चाहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 3 नए जिले अर्थात सेमी न्यू, न्यू लैंड एंड चुमो केदिमा के निर्माण की घोषणा की, तो किसने की है, द आंसर इज नागालैंड। तो नागालैंड बोला है कि हम 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। तो नागालैंड का फाउंडेशन हुआ था 30 नवंबर 1963 में, कैपिटल है कोहिमा और उसके चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी ये तो आसाम की भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, इन 2021 इंडिया हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो डैश। बोलना क्या चाहता है, 2020-21 में भारत ने डैश का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक प्रत्यक्ष निवेशी विदेशी निवेश दर्ज किया है। तो कितना किया, हाईएस्ट एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2021 में सबसे ज्यादा, द आंसर इज $81.97 बिलियन। तो इंडिया हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर एनुअल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ऑफ $81.97 बिलियन, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इमा राडू कानो इज सेलेक्टेड एज द बीबीसीज स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर फॉर 2021, शी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो सिंपल बात याद रखना, इमा राडू कानो को बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये जो इमा राडू कानो है ये कौन सा खेल खेलती है, तो कौन सा, टेनिस से संबंधित है, कौन, इमा राडू कानो, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज द करंट चेयर ऑफ द इंडियन ओशन नवा सिंपोजिशन। वेरी गुड नियाल, रोहित, हर्षल, आकाश, सोनाली, बहुत जबरदस्त। बोलना क्या चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर नौसेना संगठित का वर्तमान अध्यक्ष बना है, तो कौन था, कौन चेयरमैन बना है इंडियन ओशन नवा सिंपोजिशन का, द आंसर इज फ्रांस। तो फ्रांस, ये फ्रांस के पास चेयरमैनशिप है इंडियन ओशन नवा सिंपोजिशन का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल वुमेन्स सॉलिडेरिटी डे। बोलना क्या चाहता है, निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कौन से दिन को मनाया जाता है, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को हर साल इंटरनेशनल वुमेन सॉलिडेरिटी डे मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू एस्टैब्लिश इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन
मेडिएशन सेंटर बोलना क्या चाहता है, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन सा है गाइज, द आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद ये शहर मूसी नदी किनारे, ठीक है। आगे बढ़ते गाइज, नेक्स्ट देखो, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड गुड गवर्नेंस वीक कैंपेन प्रशासन गांव की ओर, बोलना क्या चाहता है, हाल ही में सुशासन सप्ताह अभियान प्रशासन गांव की ओर का उद्घाटन किसने किया, द आंसर इज किसने किया, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ये क्या कौन से मिनिस्ट्री है, और साइंस मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, जिते कहा से आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड, बोलना क्या चाहता है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन कौन बने हैं, द आंसर इज अतुल दिनकर राणे बने, और मने हैं अतुल दिनकर राणे मने। आगे बढ़ते गाइस, देखो 48 नंबर का ओनली टू क्वेश्चन बचा है 50 को, आपको बताना है 50 आउट ऑफ कितने आए। नेक्स्ट देखो, वी स्टेट हैज टॉप इन द प्रधानमंत्री जन धन योजना लिस्ट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ द बैंक अकाउंट, बोलना क्या चाहता है, सबसे अधिक बैंक खातों के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर, तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, टॉप में है, द आंसर इज ये उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते गाइस, हरजिंदर सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ द मिशन ऑफ इंडियाज कॉन्टिजेंट फॉर द अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक इन बीजिंग, ही इज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ डैश, बोलना क्या चाहता है, हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल से शेप द मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किसके महासचिव है, द आंसर इज ये आंसर है आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बहुत जबरदस्त कह रहा हूं, आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 50 नंबर के क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन हो गए, आपको रैंक बताना है कितने हैं। तो अ बुक ऑन योगी आदित्यनाथ टाइटल द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू द बड़गे ऑफ ऑनर, सॉरी, हैज बीन ऑथर बाय हू अमंग द फॉलोइंग, बोलना क्या चाहता है, योगी आदित्यनाथ पर द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज यूपी वाला भैया अब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी है, द आंसर इसको किसने लिखा है, शांतनु गुप्ता, ओके को किसने लिखा है, शांतनु गुप्ता। चलो गाइस बताओ, 50 पैकी 50 किसको मिले, 50 out of 50 जल्दी बताओ किसको मिले, 50 out of 50 50 क्वेश्चन हो गए, बस थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, पूरा कंप्लीट करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। 45 पल्लवी, 41 हर्षल, 46 आकाश, पहला नंबर है आकाश, आकाश 46, ठीक है, दूसरा नंबर है पल्लवी 45, ठीक है, और कोई है ज्यादा ज्यादा मार्क्स वाले, तेजल 40, निहाल 36, कौरव 20, कोई है 44 है वगैरह है क्या, कोई हर्षल 41 है, ठीक है, हिमांशु 37, सोनाली 42, ठीक है, तो सोनाली टॉप, सोनाली 42, तो 50 पे की 46 आए आकाश को, पल्लवी को आए 45, सोनाली को आए 42, ठीक है, टॉप 3 हो गए गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखो, 51 क्वेश्चन, वी स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च खेल नर्सरी स्कीम 2022-2023 टू प्रमोट द स्पोर्ट, बोलना क्या चाहता है, किस राज्य सरकार ने
खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-2023 शुरू किया है, तो कौन सा स्टेट है भाई? वो हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर रिलीज बाय द वेंकैया नायडू? बोलना क्या चाहता है? वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी तेलुगु पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन है? तो कौन है? द आंसर इज वाई लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, कौन है? वाई लक्ष्मी प्रसाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर इंडियन डिप्लोमैट प्रदीप कुमार रावत हैज अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसिडर टू डैक्स? बोलना क्या चाहता है? वरिष्ठ भारतीय राजनीतिक प्रदीप कुमार रावत को डैश में भारत के अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो कहाँ के राजदूत बने हैं? द आंसर इज चाइना, प्रदीप कुमार रावत चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच स्टेट विल लॉन्च द फ्री स्मार्टफोन योजना टू डोल आउट 1 लाख स्मार्टफोन? बोलना क्या चाहता है? 1 लाख स्मार्टफोन बांटने के लिए कौन सा राज्य फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य है? द आंसर इज उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो कौन है भाई? द आंसर इज मोहित जैन। कौन है? मोहित जैन। आगे बढ़ते हैं गाइस, ऑन विच डे गोवा लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? बोलना क्या चाहता है? गोवा मुक्ति दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? द आंसर इज 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन से दिसंबर को? 19 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं गाइस, 57 देखो। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बेस्ट फीमेल डेब्यूट ऑनर एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स? बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किसने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया जीता है? तो कौन जीता है? द आंसर इज अवनी लेकारा। आपको बताना है अवनी लेकारा किस स्पोर्ट से संबंधित है? ठीक है, अवनी लेकारा क्या खेलती है बताना है फास्ट। अवनी लेकारा किस खेल से संबंधित है? फास्ट शूटिंग। बहुत जबरदस्त, पल्लवी। पल्लवी ने सबसे पहले आंसर। क्लैप, पल्लवी के लिए क्लैप करो गाइस। फास्ट, सबसे पहले फास्ट दिया है, क्लैप फॉर पल्लवी। फास्ट बहुत जबरदस्त, क्लैप, वेरी गुड वेरी गुड। अप्रिशिएट किया करो एक में को, मंगल मैत्री की भावना रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। अवनी लेखरा को बेस्ट फीमेल डेब्यूट ऑनर से नवाजा गया पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो क्या है क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू मेक दी शेड्यूल पेमेंट बैंक एंड शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एजेंसी बैंक, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस लिमिट पर अकाउंट इन द पेमेंट बैंक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पेमेंट बैंक में मैक्सिमम कितने पैसे अपन रख सकते हैं, बैलेंस कितने रख सकते हैं? द आंसर इज 2 लाख रुपए। जितने 2 लाख रुपए। तो क्या बोलना चाह रहा था? भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंक को SFB को एक एजेंसी बैंक बनाने का निर्णय लिया है। तो पेमेंट बैंक में प्रति खाता अधिकतम शेष राशि क्या है? कितने है? द आंसर इज 2 लाख। कितने गाइस? 2 लाख रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू साइन द यूनाइटेड नेशन सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट? बोलना क्या चाहता है? कौन सी जीवन बीमा कंपनी संयुक्त राष्ट्र समर्पित सिद्धांतों के लिए जिम्मेदार निवेश पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी बनी है? तो कौन सी कंपनी है वो? द आंसर इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड? बोलना क्या चाहता है? हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड
हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं गाइस? आंसर इज उन्सु किम। कौन बने हैं? उन्सु किम। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट? बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किसने 83 LCA तेजस MK-1A लड़ाकू विमान के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन है गाइज? आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलके 83 LCA तेजस MK-1A फाइटर एयरक्राफ्ट बना के देने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, पूरा टारगेट कंप्लीट करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, इंडिया इज डैश मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय स्पैम कॉल्स इन 2021 एज पर द ट्रू कॉलर। बोलना क्या चाहता है? ट्रू कॉलर के अनुसार 2021 में सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स कौन से कंट्री में आता है ये बताना। पहले नंबर में स्पैम कॉल में कौन है, दूसरे नंबर में कौन है और थर्ड नंबर में कौन है? तो मैं बता देता, इंडिया कौन से नंबर में है गाइस? इंडिया है फोर्थ नंबर में। तो आपको टॉप थ्री बताना है। तो स्पैम कॉल्स में टॉप थ्री कंट्री कौन थे? पहला नंबर में कौन है बताओ, पहले नंबर में कौन है बताना है, स्पैम कॉल में पहले नंबर में कौन है? जल्दी, ब्राजील। बहुत जबरदस्त आकाश, ब्राजील है पहले नंबर में। सेकंड नंबर में कौन है? सेकंड नंबर में कौन है? जल्दी, सेकंड नंबर में कौन है? हाँ ब्राजील तो बराबर है, पेरू। सेकंड नंबर में पेरू है बोलते, कोई इटली है बोलते। ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त हिमांशु। ठीक है, ब्राजील, पेरू, यूक्रेन बराबर है। ब्राजील, पेरू एंड थर्ड नंबर में है यूक्रेन, बराबर है क्या? हाँ, पहले तो स्पैम कॉल में पहले नंबर में ब्राजील है, सेकंड नंबर में पेरू है, थर्ड नंबर यूक्रेन है और अपना इंडिया फोर्थ नंबर में गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 63। काल नेहामेर हैज बीन स्वॉन इन एज द चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो काल नेहामर कहां के चांसलर बने हैं? द आंसर इज ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं काल नेहामर। ठीक है, तो यहाँ ऑस्ट्रिया की बात आई है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वॉन दे बुलेन। ऑस्ट्रिया के वीना में हेडक्वार्टर है किसके किसके? UNIDO मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वीना में है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक का भी हेडक्वार्टर वीना ऑस्ट्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो। हु वॉज ऑथर द बुक टाइटल इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस? बोलना क्या चाहता है? इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस के ऑथर कौन है? कौन है ऑथर बताओ? रेखा चौधरी। तो रेखा चौधरी ऑथर है उसकी, वो बुक के। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, देखो। तो देखो बुक और ऑथर की मैंने एक बार आज क्या एक अपन क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं बुक और ऑथर कौन थे कौन थे, फिर नेक्स्ट वीक से अपन नए बुक और ऑथर लाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला बुक देखो, रेखा चौधरी के बुक का नाम है इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। अमित रंजन, जॉन लैंग, वंडर ऑफ द हिंदुस्तानी, स्लेंडर ऑफ द हिंदुस्तानी, लॉयर ऑफ द रानी, सुधा मूर्ति, द सेज विथ टू हॉर्न्स, त्रिपुर दमन सिंह एंड आदिल हुसैन, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, बैडमिंटन कोच पी गोपीचंद, ऑटोबायोग्राफी शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, को ऑथर प्रिया कुमार। उसके बाद अजय चिब्बर एंड सलमान अनिसोज, अनसैकलिंग इंडिया। उसके बाद सलमान खुर्शीद, सनराइज ओवर अयोध्या। उसके बाद स्मृति ईरानी, लाल सलाम। उसके बाद अभिजीत बैनर्जी, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। उसके बाद बैन की मून, रिसॉल्व यूनाइटेड नेशन इन द डिवाइडेड वर्ल्ड, और इसको लॉन्च किसने किया है? हार्पर कॉलिंस से किया है। तो ये थे गाइस बुक और ऑथर के।
चीट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर एल जलप्पा पास डे वेरी रिसेंटली ही वॉज डैश, बोलना क्या चाहता है। आर एल जलप्पा का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, क्या थे वो थे पॉलिटिशियन, क्या थे पॉलिटिशियन थे आर एल जलप्पा, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑबिचुरी जो निधन थे तो उसकी भी एक बार लास्ट टाइम अपन ये हफ्ते का रिवीजन कर देते हैं, फिर अगले हफ्ते नए लाएंगे। तो देखो सबसे पहले देखो पुनीत राजकुमार ये क्या थे, एक्टर थे, इनको अवार्ड मिला था बसवराज वाला, है ना। उसके बाद देखो डॉक्टर कृष्णन अय्यर ये ऑन्कोलॉजिस्ट थे। तारक सिन्हा क्या थे, ये क्रिकेट कोच थे। कोनेरू रामकृष्ण रॉय ये एकेडेमिशियन और साइकोलॉजिस्ट थे। एफ डब्ल्यू डी क्लार्क फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बाबा साहेब पुरंदरे हिस्टोरियन एंड ऑथर। मनु भंडारी ऑथर। चुन डू वॉन फॉर्मर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। स्टीफन सोंदियम म्यूजिशियन। फ्रैंक विलियम स्पोर्ट्स। शिवा शंकर डांस कोरियोग्राफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द यू एल आई पी हैकेथॉन लॉजिस्टिक्स इज ऑर्गेनाइज बाय डैश, बोलना क्या चाहता है। यू एल आई पी हैकेथॉन लॉजिस्टिक का आयोजन डैश द्वारा किया गया, तो किसने किया, द आंसर इज अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिशन है और इसने ही रिसेंटली यू एल आई पी हैकेथॉन लॉजिस्टिक्स को ऑर्गेनाइज किया गया। अटल इनोवेशन मिशन का फाउंडेशन हुआ था 2016 में। किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, किसने इसको लाया था अटल इनोवेशन मिशन ने, नीति आयोग ने। इसका अटल इनोवेशन मिशन का हेड कौन है, डॉक्टर चिंतन वैष्णव है। आगे बढ़ते गाइस, एग्जाम कम हो गया था, बहुत जबरदस्त, ठीक है। जितना बोर मरेगा उतना तुमको देर लगेगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, हर एक चीज, ठीक है। पूरा कंप्लीट करना है मतलब कंप्लीट करना है। देखो विच ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेटेड द सी ए डी एस 500 सिस्टम पैराड्रॉप फ्रॉम एन AN-32 एयरक्राफ्ट, बोलना क्या चाहता है। किस संगठन ने AN-32 विमान से सी ए डी एस 500 प्रणाली को पैराड्रॉप करके प्रदर्शित किया है, तो कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, द आंसर इज ये DRDO, कौन सा है DRDO, और DRDO के बारे में अपन ने पहले ही देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो डिफेंस के बारे में न्यूज देख लेते हैं, है ना, डिफेंस के बारे में न्यूज देते। अभी गवर्नमेंट ने 7985 करोड़ रुपीस दिए, किसको दिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 7985 करोड़ रुपए दिए, काय के लिए, उनको बोला है कि आप लोग हमको लाइट चॉपर्स बना के दो, कितने, 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बना के दो। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहां बना के देने वाले है, ये टुमकुर कर्नाटक में बना के दे, ठीक है, पहला समझ गया होगा। फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, ये इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन है मिरेज 2000 स्क्वाड्रन, ये इसराइल में एक्सरसाइज हुआ था, कौन था, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज आ गया था। उसके बाद इंडियन नेवी के चीफ है 2500 नंबर के आर हरिकुमार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट शील वर्धन सिंह ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के हेड बने हैं। उसके बाद अतुल करवाल ये NDRF के हेड बने हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। उसके बाद इंडियन नेवी को भी रिसेंटली 4 सबमरीन मिला है, कहां से, 4 सबमरीन कौन सा है, प्रोजेक्ट वेला नाम का, 4 सबमरीन कौन थे, वेला नाम का, कौन थे प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रोजेक्ट 75 यार्ड 11878 किसने बना के दिया है, माजागांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड ने, ये कहां पे हेडक्वार्टर इसका, मुंबई में, ठीक है। उसके बाद देखो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड IAF सारंग एंड सूर्य किरण एरोबोटिक्स टीम ये कहां गए थे, पहली बार दुबई एयर शो में गए थे। उसके बाद देखो प्रेसिडेंट कोविंद ने नेपाल के आर्मी चीफ है जनरल प्रभुराम शर्मा, इनको जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का ऑनर से सम्मानित किया, ठीक है, अवार्ड दिया। उसके बाद देखो 32 नंबर का एक्सरसाइज हुआ है, कौन था, इंडो थाई कॉर्पोरेट, इंडिया थाईलैंड कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हुआ है, कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज हुआ है 32 नंबर का, और यहाँ कौन सा गया था अपने इंडिया से, INS कारमुक गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह, इन्होंने उत्तर प्रदेश की झांसी में इनॉग्रेट किया है, क्या इनॉग्रेट किया है भाई, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को इनॉग्रेट किया, क्या,
राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को इनॉग्रेट किया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सातवां कॉन्क्लेव हुआ है, सातवां कॉन्क्लेव हुआ कौन था, इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम का, और इसका तो चेयरमैनशिप है, होस्ट मतलब हेड है। इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम का चेयरमैनशिप किसके पास है, फ्रांस के पास है। तो सातवें नंबर का भी रिसेंटली इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम हुआ है, और इसको होस्ट किसने किया, फ्रेंच नेवी ने, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में, है ना। उसके बाद 12वां पॉइंट देखो, 15वां ट्राइलेटर एक्सरसाइज हुआ है दोस्ती, किनके किनके बीच में, मालदीव्स इंडिया श्रीलंका, मालदीव्स इंडिया श्रीलंका के बीच में, कहाँ पे हुआ, मालदीव्स में हुआ है ना। और यहाँ कौन था गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल गया था, वज्र और अपूर्वा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, इतने सारे देखो रिविजन हो रहा अपना, आगे बढ़ते 68 नंबर का, विच डिस्ट्रिक्ट मेड द फर्स्ट जम्बो हर्ड मूवी, बोलना क्या चाहता है, पहला जम्बो झुंड किस जिले में चला, तो किस जिले में चला, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में, कहाँ पे, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में। ये महाराष्ट्र के बारे में तो अपन ने बहुत बार देख लिया है। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सेल्फ पेइंग टूरिस्ट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हु रिटर्न टू द अर्थ एंड स्पेंडिंग 12 डेज ऑन बोर्ड द 20 December 2021। बोलना क्या चाहता है, 20 दिसंबर 2021 को जहाज पर 12 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले स्व भुगतान करने वाले पर्यटन का नाम क्या है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है युशाकु मजेवा, जी जापान में रहते हैं, एक रशिया के भी बंदे गए थे, उनका नाम आपको बताना है। तो जापान के युशाकु मजेगा, ये पहले थे सेल्फ पेइंग टूरिस्ट स्पेस स्टेशन में। जापान की बात आई है, जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी एन, और उसके प्रेसिडेंट फुमियो किशिदा, स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा जापान के, और एक्सरसाइज कौन कौन सी होते हैं, जिमेक्स, धर्म गार्डियन, सेन्नू मैत्री, मालाबार, सयो काइज़न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकम द बैंकिंग पार्टनर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन December 2021। बोलना क्या चाहता है, दिसंबर 2021 में कौन सा लघु वित्त बैंक महाराष्ट्र सरकार का बैंकिंग भागीदार बना है, तो कौन सा है बैंक, वो आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बैंकिंग पार्टनर बना है। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है, इसके हेड कौन है, पी एन वासुदेवन है, टैगलाइन का इट्स फन बैंक है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, त्रिशूर केरला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा स्कीम टू ऑफर द फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज टू द रिमोट एरियाज। बोलना क्या चाहता है, दूरस्थ क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है, तो किसने की है, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा स्कीम, द आंसर इज ओडिशा। किसने, ओडिशा। ओडिशा के बारे में तो अपन ने देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, Which of the following company has been awarded with the prestigious Golden Peacock Environmental Management Award 2021? बोलना क्या चाहता है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को प्रतिष्ठित Golden Peacock Environmental Management Award 2021 से सम्मानित किया गया, तो कौन सी कंपनी है, The answer is स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फाउंडेशन हुआ था 19 जनवरी 1954 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और हेड है सोमा मंडल। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अवार्ड यहाँ देखो, अवार्ड मिला है तो अवार्ड की भी लिस्ट देख लेते हैं और एक बार रिविजन कर लेते हैं, है ना। देखो सबसे पहला अवार्ड मिला है डॉक्टर राजीव निगम को। कौन सा अवार्ड मिला है, जे ए कुशमान अवार्ड मिला है, काई के लिए, और एक्सेलेंस इन द फोरा मिनी फेरल रिसर्च के लिए। उसके बाद देखो दूसरा अवार्ड डायमंड गर्ल गोड को मिला है, ये कहाँ रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं। कौन सा अवार्ड मिला है, 2021 का बुकर प्राइज मिला है, कौन सा बुक है उनका, द प्रॉमिस के लिए मिला है। उसके बाद थर्ड देखो,
एक कंपनी है इंडिया की, कौन सी, टीवीएस मोटर कंपनी, उसको क्या मिला है, ग्रीन, उसको ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है। चलो ठीक है, उसके बाद चौथा वाला देखो अवार्ड, लेट, निधन हुआ था इनका पुनीत राजकुमार, तो इसको बसाव श्री अवार्ड मिला है 2021 का। पांचवा अवार्ड देखो, सीट सीट डंगा रेम्बा, इनको जर्मन पीस प्राइज मिला है 2021 का। उसके बाद एम मुकुंदन जे को सीबी प्राइज मिला है लिटरेचर में। हेमा मालिनी एंड प्रसून जोशी, इनको फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर मिला है, कहाँ पे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा पणजी में हुआ था वहां पे। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, कौन है, प्रथम, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, उसको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस मिला है। उसके बाद नवा वाले देखो, अनिता देसाई, इनको अवार्ड मिला है कौन सा, टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उसके बाद दसवा अवार्ड देखो कौन सा है, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, इनको अब्बू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड मिला है। उसके बाद 2021 में देखो सोहन रॉय, इनको के नाइट इन इटली अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अवार्ड की शीट भी हो गई गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अपॉइंटेड ऋषभ पंत एज इट्स ब्रांड एम्बेसिडर, बोलना क्या चाहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसिडर बनाया है, तो किस राज्य ने बनाया है, द आंसर इज उत्तराखंड, किसने बनाया है, उत्तराखंड, और तो उत्तराखंड के बारे में तो अपन रोज ही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखो अपॉइंटमेंट्स हुए ना, उसके बारे में देख लेते हैं, अपॉइंटमेंट किसका किसका हुआ है, तो पहला अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, बीसीडी इंपॉर्टेंट है ना, तो पहला अपॉइंटमेंट अरुण चावला क्या बने हैं, फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने, काय के, फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने हैं अरुण चावला। उसके बाद पवन कुमार, ये रशिया के एम्बेसिडर बने हैं। उसके बाद सी एस वेंकट कृष्णन, ये बार्कलेस के सीईओ बने हैं, है ना। उसके बाद संजय भट्टाचार्य, ये स्विट्जरलैंड के एम्बेसिडर बने हैं। उसके बाद थॉमस दोहमे, ये गिटहब के सीईओ बने हैं। उसके बाद राजीव कुमार मिश्रा, ये पीटीसी के एमडीएन चेयरमैन बने हैं, पीटीसी इंडिया के राजीव कुमार मिश्रा। उसके बाद स्पैनियर्ड डैनियल डेल वैली, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के हायर रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूथ बने हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन, ये एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसिडर बने हैं। उसके बाद एस एन प्रधान, ये नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने हैं। उसके बाद विमल पटेल, ये एशिया के तरफ से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ कमीशन के हेड बने हैं, है ना, यूएन इंटरनेशनल लॉ कमीशन के हेड विमल पटेल बने हैं। उसके बाद पीसी मोदी, ये न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं, कहाँ के, राज्यसभा के। उसके बाद राजीव श्रीवास्तव, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी लिमिटेड के सीईओ बने हैं। उसके बाद जियोफ अलर्डाइस, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ बने हैं। उसके बाद संजय मिश्रा, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी ईडी के डायरेक्टर बने हैं। उसके बाद शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, ये कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद मिलोज जेमोन पेट फियाल, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, चेज रिपब्लिक के, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हर्षवंत बीस्ट प्रेसिडेंट, हर्षवंती बीस्ट, ये प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के। उसके बाद पराग अग्रवाल, ये सीईओ बने, कहाँ के, ट्विटर के। उसके बाद राहुल द्रविड़, ये कोच बने, कहाँ के, इंडियन मेंस क्रिकेट के। आईटीबीपी के संजय अरोरा, वेरी गुड। सीबीआईटी के विवेक चौधरी, वेरी गुड। ठीक है, एक काम हो गया, बहुत जबरदस्त। ठीक है, उसके बाद देखो, ऐसा करो, पढ़ाई मत करो, ठीक है। उसके बाद विवेक जौहरी, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन, हरियाणा रिसेंटली लॉन्च अ न्यू इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अंडर द करनाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इट इज अ रिलेटेड टू डैश, बोलना क्या चाहता है। हरियाणा ने हाल ही में करनाल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एक नया एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र शुरू किया, वह किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, वह द आंसर इज स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित है, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ हरियाणा की बात आई है, हरियाणा के बारे में न्यूज देख लेते हैं अपन, तो स्टैटिक तो रोज ही देखते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन्वेस्ट करने वाला है 3681 करोड़, इंडिया का पहला मेगा स्केल मलाइक एंड हंड्रेड प्लांट बनाने वाला है, कहाँ पे, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में, हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देख, नेक्स्ट दे दो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी,
पुरुषोत्तम रूपाला, इसने इंडिया का पहला लिनैक एनसीडीसी फिशरी बिजनेसमैन इंक्यूबेशन सेंटर ओपन करने वाले, कहां पे? हरियाणा के गुरुग्राम में। पैसे कितने लगने वाले? 3.23 करोड़। थर्ड देखो, थर्ड न्यूज, स्वदेश, वर्ल्ड का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा एनालिटिक्स डेवलप कर रहे हैं, कहां पे? डीबीटी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ये कहां पे है? ये हरियाणा में। उसके बाद उत्तम सीट पोर्टल, ये हरियाणा का है। उसके बाद श्री हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने अनवेल किया स्टैचू, कहां? कौन था? महारानी लक्ष्मीबाई का, कहां पे? हिसार, हरियाणा के हिसार में। ठीक है, ये थे हरियाणा के रिलेटेड न्यूज गाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, बहुत जबरदस्त, नेम द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु हेडेड टू इंक्वायरी कमीशन फॉर्म टू प्रोब इनटू द 2002 गोधरा रिवोर्ट्स एंड 1984 एंटी सिख रिवोर्ट्स पास्ड। बोलना क्या चाहता है? 2002 में गोधरा दंगों और 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए गठित दो जांच आयोगों का नेतृत्व करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका निधन हुआ। तो किनका निधन हुआ है? ध्यान सरीज, जस्टिस गिरीश थकोरलाल नानावती। तो जस्टिस गिरीश थकोरलाल नानावती ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे और ये दो कमेटी के हेड भी थे। ठीक है, 2002 के गोकरा रिवर्स हुए थे वहां के और 1984 एंटी सिख रिवर्स हुए थे वहां के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड चिलीज यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑन 20 दिसंबर 2021। बोलना क्या चाहता है? 2020 दिसंबर 2021 को चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो कौन चुने गए? द आंसर इज, नाम है गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक ये चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। यहाँ चिली की बात आई है, चिली के कैपिटल सैंटियागो, करेंसी चिलियन पेसो, प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक। आगे बोलते बढ़ते गाइज, 77 नंबर का क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड। अभी से अपन ने याद हुआ होगा पूरा, ये तो दिसंबर के पूरे डे और थीम याद हो गए होंगे। तो कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते गाइज, देखो, विच यूनिट ऑफ द आर्मी इज द फर्स्ट से टू इंडिजिनियसली डेवलप नेक्स्ट जनरेशन आर्म इंजीनियरिंग रिकॉनेसेंस व्हीकल इंडक्टेड। बोलना क्या चाहता है? सेना की कौन सी इकाई स्वदेश में विकसित अगली पीढ़ी के पख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन का पहला सेट शामिल है? द आंसर इज, क्या है वो? इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन टिल 2025। बोलना क्या चाहता है? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? द आंसर इज पीवी सिंधु। ठीक है, तो यहाँ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात आई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 5 जुलाई 1934 में। क्या हेडक्वार्टर का है? कोलालंपुर मलेशिया में। प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हॉरन लार्सेन। मेंबर कितने हैं? 194 मेंबर एसोसिएशन है वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, इन विच स्टेट द ब्रिज पी सेतु इनॉग्रेटेड ओवर महानदी। बोलना क्या चाहता है? महानदी पर टी सेतु पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में बनाया गया महानदी के ऊपर टी सेतु? आंसर इज ओडिशा। ओडिशा में बना गया ना। आगे बढ़ते गाइस, ओडिशा के बारे में तो रोज देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, इंडिया ऑब्जर्व द नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर ऑन डैश सिंस 2012। बोलना क्या चाहता है? भारत 2012 से हर साल डैश को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2012 से मनाया गया, तो हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। चालू कब से किए थे? 2022 से किए थे, 2012 से किए थे। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग का दो और लास्ट का दो याद रखना। ठीक है, तो 2012 से स्टार्ट किए थे नेशनल मैथमेटिक्स डे और 22 दिसंबर को हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ हाउ मच वर्थ इन गोवा। बोलना क्या चाहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में कितने मूल्य की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो कितने रुपए लगने वाले हैं? बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले गोवा में, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने बताया। तो आंसर है 650 करोड़। कितना? 650 करोड़। और गोवा के बारे में तो अपन रोज देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन बैक अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम SECI फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। बोलना क्या चाहता है, छत्तीसगढ़ में सौर परियोजना के लिए SESI से किस संगठन को अनुबंध किया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट लिया SESI से कि आप लोग छत्तीसगढ़ में सोलर प्रोजेक्ट बना के दो। तो किसको मिला है, द आंसर इज टाटा पावर सोलर सिस्टम। टाटा पावर सोलर सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट मिला है छत्तीसगढ़ में सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसकी तरह, किससे, SESI से। सी आगे बढ़ते गाइस, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन चोजन टू ज्वाइन अ रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर द नासा एंड इसरो कोलैबोरेटिव प्रोग्राम। बोलना क्या चाहता है, नासा इसरो सहयोगी कार्यक्रम के तहत एक शोध परियोजना में शामिल होने के लिए किस संगठन को चुना गया है। तो कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिसको ज्वाइन किया रिसर्च प्रोजेक्ट में नासा और इसरो ने, द आंसर इज केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशन स्टडीज। इंपॉर्टेंट, ठीक है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशन स्टडी को चूज किया है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए नासा और इसरो, ठीक है। और नासा और इसरो के बारे में तो अपन रोज देखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटका नवाल एरिया। बोलना क्या चाहते हैं, कर्नाटका नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कौन बने। तो कौन बने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग कर्नाटका नवाल एरिया में, द आंसर इज का नाम है अतुल आनंद, ठीक है, अतुल आनंद बने। तो यहाँ देखो कर्नाटका की बात है, कर्नाटका का फाउंडेशन होता है 1 नवंबर 1956 में। चीफ मिनिस्टर कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बम्बई है। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन थे, बंदीपुर, बनरगट्टा, कुद्रेमुख, नागर होले। वाइल्डलाइफ सेंचुरी कौन कौन थे, भीमगढ़, ब्रह्मगिरी, मुकम्बिका, भादरा, अराबी थिट्टू। यहाँ देखो कर्नाटका न्यूज में था, इंपॉर्टेंट पहला न्यूज देखो, इंडियन रेलवे ये पहला मूवेबल फ्रेश वाटर ट्यूनल एक्वेरियम ओपन कर रहा है, कहाँ पे, KSR बेंगलुरु स्टेशन में, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखो, कर्नाटका डेवलप करने वाला कितना, 46 कोम्पे गौड़ा हेरिटेज साइट, कहाँ पे, बेंगलुरु में, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड न्यूज देखो गाइज, कर्नाटका ये पहला स्टेट बना है इंडिया में काय के लिए, जो रिजर्वेशन देने वाला है किसको, ट्रांसजेंडर में, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। उसके बाद देखो NS श्रीनिवासा मूर्ति, इनको ऑनररी कौंसल जनरल ऑफ द वियतनाम फॉर कर्नाटका बनाया गया है। उसके बाद प्रदीप कुमार पांजा, ये चेयरमैन बने हैं कहाँ के, कर्नाटका बैंक के, है ना। उसके बाद कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है कैनरा बैंक। ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को 2 अवार्ड मिला गया है, नेशनल अवार्ड कौन थे कौन थे, APY बिग बिलीवर्स एंड लीडरशिप कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सातवां देखो, राजस्थान, पहली बात तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कर्नाटका पहले नंबर में और दूसरे नंबर में राजस्थान है। उसके बाद एटवां देखो पॉइंट, जन सेवक स्कीम किसका है, कर्नाटका गवर्नमेंट का है। उसके बाद मुंबई कर्नाटका रीजन का नाम बदल के किट्टूर कर्नाटका रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट था गाइस, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द इंडियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बाय रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड मार्केट वैल्यू टॉप दी 2021 विजी की न्यू स्कोर रैंकिंग। बोलना क्या चाहता है, राजस्व लाभ और बाजार मूल्य के आधार पर भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट का नाम बताइए जो 2021 विजी की न्यू स्कोर रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तो कौन है सबसे ऊपर, द आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, न्यूज में था, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 40% का स्टेक खरीदा है, कहाँ पे, मनीष मल्होत्रा MM स्टाइल में, मनीष मल्होत्रा की कंपनी MM स्टाइल में 40% का स्टेक खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट देखो, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन एयर इंडिया बाय टाटा सन्स। बोलना क्या चाहता है, ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया में शेयर धारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो किसने मंजूरी दी है कि आप एयर इंडिया में टाटा सन्स को मंजूरी दी है कि तुम एयर इंडिया में शेयर ले सकते हो। तो किसने दी है मंजूरी, द आंसर इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं, इसका फाउंडेशन हुआ था
14 अक्टूबर 2003 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसका हेड है अशोक कुमार गुप्ता। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के न्यूज भी देख लेते हैं। कंपटीशन यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव दिया है किसको, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि आप जापान फेयर ट्रेड कमीशन के साथ मिलकर कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी के ऊपर काम करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को, इंडिया ने अप्रूव दिया है समिट इंडिया को जो त्रिपुरा बेस है, कि आप ONGC त्रिपुरा पावर लिमिटेड में स्टेक खरीद सकते हो, कितना, 23.5%। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है किसको, HDFC बैंक को, कि तुम एक्विजिशन, तुम शेयर खरीद सकते हो, कितना, 4.99%। कहाँ पे, HDFC इर्गो में, है ना, HDFC इर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस में। उसके बाद कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया है किसको, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, कि आप 100% शेयर खरीद सकते हो एग्जाइट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट गाइस थे, आगे बढ़ते देखो, थकना मना है। नेक्स्ट देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ द मिशन ऑफ इंडियाज कॉन्टिजेंट फॉर द अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। ये रिविजन हो गया, और एक बार रिविजन हो जाएगा। बीजिंग में आगामी 2022 का शीतकालीन ओलंपिक के लिए भारत के दल के शेप द मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया, तो कौन बनाया शेप द मिशन, आंसर है हरजिंदर सिंह, ठीक है, ये ऑलरेडी अपन ने देख लिए थे। आगे बढ़ते गाइस, सीनियर इंडियन डिप्लोमैट प्रदीप कुमार रावत हैज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसिडर टू डैश, ये भी अपन ने देख लिए थे। द आंसर इज कहां से, चाइना। तो प्रदीप कुमार रावत ये चाइना के एम्बेसिडर बने। तो चाइना की बात आई है, चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी और युआन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना के मंगलयान का नाम है Tianwen-1, चाइना के साथ एक्सरसाइज होती है एक हैंड इन हैंड, चाइना न्यूज में था वो देख लेते हैं, ठीक है। WHO ने बोला है चाइना को कि आप मलेरिया फ्री हो गए, अभी एक भी वहां केसेस नहीं आते। उसके बाद देखो, चाइना ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है दुनिया का पहला कमर्शियल स्मॉल एंड मॉड्यूलेटर रिएक्टर, उसका नाम है Linglong-1। उसके बाद इंडिया 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का होस्ट करेगा, बट 2023 में सुदरमन कप का होस्ट कौन करने वाला है, चाइना करने वाला। आगे बढ़ते गाइस, नेक्स्ट देखो, 90 क्वेश्चन हुआ, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। विच स्टेट विल लॉन्च द प्री स्मार्ट योजना टू डोल आउट 1 लाख स्मार्टफोन, ठीक है। तो कौन है वह, एक प्री स्मार्टफोन योजना को चालू किया है, आंसर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो अपन ने देख ली। आगे बढ़ते गाइस, तो गाइस फाइनली आपने टॉप 90 क्वेश्चन हुए, और अपन ने ये पढ़ाओ 3 दिसंबर भी कर ले, जिसने ईमानदारी से देखा होगा तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा गाइस, वापस आ रहे हैं गए वाले, ठीक है। तो आपको बताना है 90 आउट ऑफ कितना मिला, जो ईमानदारी से देखे, मुझे पता है कौन कौन ईमानदारी से, तो 90 आउट ऑफ किसको कितना मिला है बताओ जल्दी, पूरा कर लिए। देखो सुबह से अपन बैठे थे, फाइनली हुआ, इसलिए बोला टारगेट कंप्लीट करना सीखो, एक बार जो पकड़े है उसको पारा सीखो, ठीक है। निहाल को 90 आउट ऑफ 60 मिले, बताओ फटाफट टॉप 3 निकालता हूं। आकाश को 83 मिले, वेरी गुड आकाश, पहला है आकाश, कितना, 83, ठीक है। उसके बाद गौरव 45, लोकेश 45, सोनाली 79, ठीक है। हर्षल 72, हिमांशु 53, उमेश 63, बाकी के रोहन 58, फास्ट आओ गाइस फास्ट, 82 पल्लवी, ठीक है। तो टॉप 3 मिल गए, आकाश 83, पल्लवी 82, है ना, और सोनाली 79, ये टॉप 3 अपने स्टूडेंट मिल गए आज के, जिसने बहुत माहौल किए। देखो स्टार्टिंग से अब तक जिसने भी ईमानदारी से किया होगा ना गाइस, उसको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। करंट अफेयर ऐसी चीज है जो बहुत, देखो मैंने पीक भी लिया, डिटेल में पढ़ाया, मतलब अपने को अपना एक ही पर्पज है कि अपना एनालिसिस होना चाहिए, अपने आंखों से अपने कानों से वो बार बार न्यूज जाना चाहिए, तभी जाके होगा, है ना। तो गाइज अगर ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अपने KCC स्टडी सर्कल को, ठीक है। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए, है ना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा नाम है प्रंकेश,
और सबका मंगल मैत्री। मिलते हैं गाइस कल, थैंक यू सो मच।